हमारा ये 15 साल का सफ़र बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा और हमने इसका हल पल बहुत इन्जॉय किया। जब हमने webdunia.com लॉन्च किया था तब हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में भी स्टैंडर्ड्स नहीं थे। स्टैंडर्ड्स नहीं होने के कारण हम लोगों ने काफ़ी पढ़ाई करके, काफ़ी एक्सप्लोरेशन करके बहुत सारे टूल्स इन्वेंट किए, जिसके थ्रू webdunia.portal पे हम लोगों को टाइपिंग फैसिलिटीज़, कन्वर्टर फैसिलिटीज़ दे पाए। सो अगर आप webdunia के सफ़र देखेंगे तो शुरू में इट वॉज इन पोर्टल, देन वी स्टार्टेड बिफोर webdunia वी लॉन्च्ड ई पत्र में हम पूरी 11 लैंग्वेजेस में पर्सन को टाइपिंग का सपोर्ट देते थे, जिससे पर्सन कैन टाइप इन इंडियन लैंग्वेजेस यूजिंग नॉर्मल रोमन इंग्लिश। तो सपोज यू वॉन्ट टू टाइप आप कैसे हैं, यू कैन जस्ट राइट AAP के एंड कैसे हैं सॉर्ट ऑफ। तो ये वाली चीज़ें webdunia के साथ ही शुरू हुई। उस वक्त इवन फॉन्ट्स के भी कोई स्टैंडर्ड नहीं थे, तो लोगों के लिए बहुत कठिन होता था कि वो पोर्टल पे जाएं और हिंदी देखें। तो webdunia ने फर्स्ट टाइम डायनेमिक फॉन्ट इन्वेंट किए, जिसके थ्रू पर्सन पूरा पोर्टल हिंदी में देख सकते थे विदाउट डाउनलोडिंग एनी फॉन्ट। सो इट वॉज द वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ webdunia, वेर इन हिंदी वॉज सपोर्टेड विदाउट एनी नेटिव सपोर्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड देन फिर हमारे सामने चैलेंजेस आए इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के, क्योंकि बहुत सारे लोग इस डोमेन में वर्क कर रहे थे जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स, अलग अलग फॉन्ट यूज़ कर रहे थे। तो हम लोगों ने उनके लिए कन्वर्टर्स बनाए, जिसके थ्रू डिफरेंट फॉन्ट्स वाला डेटा भी एक यूनिफॉर्म में कन्वर्ट हो सकता था। एंड देन इन 2007 webdunia वॉज लॉन्च इन यूनिकोड, विच इज़ अ स्टैंडर्ड। एंड तब से आज तक हम लोग स्टैंडर्ड के साथ आगे बढ़ते हुए उन्नति करे जा रहे हैं। अगर हम अभी देखें webdunia को, तो टाइम के साथ टेक्नोलॉजी जितनी इम्प्रूव हुई, webdunia उनके साथ ही चलता रहा। तो लास्ट 15 ईयर्स से जितना टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ, webdunia ने उसको अडेप्ट किया और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से webdunia आज मोबाइल टैबलेट्स पे चल रहा है। आप देख सकते हैं कि webdunia की नेटिव एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड और iOS पे चलती है। एट द सेम टाइम यू कैन सी webdunia ऑन ब्राउजर्स, विच इज़ अ बिग सक्सेस, क्योंकि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के थ्रू webdunia आप सारे डिवाइसेस पे देख सकते हो। एंड इतने सालों में जब हम और पोर्टल्स को देखें जो आए और गए, webdunia लगातार नई उन्नति की तरफ चलता जा रहा है और रोज़ उसमें नए नए इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। हम लोग उसमें रोज़ UI पे रोज़ नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अभी रिसेंटली webdunia एक नए लुकअप के साथ लॉन्च हुआ है, जिसको आप अपने नए वेबसाइट webdunia.com पे देख सकते हैं। webdunia के 15 साल कम्प्लीट होने पर मैं अपनी तरफ से इसके सारे कंटेंट वाले साथियों, टेक्नोलॉजी साथी और webdunia की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और इसी के साथ मैं इसके पाठकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने सतत हमारे ऊपर विश्वास करके हमारे पोर्टल को पढ़ते रहे हो और आगे भी पढ़ते रहेंगे ये उम्मीद करती हूँ।